गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ बैकंता और आप देख रहे हैं बैकंता ऑफिशियल। और आज अभी हम लोग जा रहे हैं अपना ज़मीन में, क्योंकि वहाँ में हम लोग ने घर बना रहा है कच्चा बम्बू का, तो इसलिए अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ। अभी देखते हैं कितना तक काम हुआ है। पिताजी वहीं में है, मम्मी सो रहे हैं, थोड़ा बीमार है, तो अभी हम लोग बाइक नहीं स्कूटी में जाएंगे। अपनी भैया के दनो भैया का स्कूटी है, तो इसमें अभी हम जाएंगे। हेलमेट निकाल लेता हूँ मैं। पहुंच चुके हैं अभी अपने स्पॉट्स में। आपको दिखाते हैं कैसा काम चल रहा है। बम्बू कट रहा है, मिट्टी उठ रहा है, दिखाएंगे अभी। यहाँ बम्बू का काम हो रहा है। ये फाइनली इतना तक हो चुका है, देख सकते हैं। और उस तरफ मिट्टी उठ रहा है। आज इतना ही उठा पाए, कल और थोड़ा उठाना पड़ेगा। हो रहे हैं हमारे पिताजी। मिट्टी उठा के ले जा रहे हैं। ये रहा। पिताजी इधर काम चल रहे हैं। ये रहा जमीन, ये बम्बू कट चुका है। और यहाँ पे सामने पे है एक बिल, मतलब जहाँ मछली पकड़ सकता है उसमें। आप अगर अपना कोई बम्बू का आगे वाला हिस्सा होता है ना, उसे फेंक दो ना, तो आपका ज़मीन हो गया। ज़मीन मतलब पॉन्ड टाइप है, तो आपने उसमें बम्बू फेंक दिया, वो तो आपका हो गया। ऐसा वाला एक जगह है, आपको दिखाते हैं। वहाँ मछली बहुत मिलता है। ये बगल में ही हम लोग का मिट्टी का ये खुल जाओ फेंसिंग। तो क्या बता रहा था मैं, बगल में है। अभी पानी कम है, बाद में पानी जब बारिशा सीजन मतलब खेती सीजन आएगा तभी हमें होता है पानी, तभी हमें फेंक के रखने से मछली पकड़ते हैं। ये रहा। अभी जो अपना बम्बू फेंकेगा वो उसका हो जाएगा जगह, वो उसमें वो मछली पकड़ेगा। कल भी एक मछली पकड़ा था, बहुत ज़्यादा पकड़ा मैंने सुना। तो यहाँ का हम लोग का ये रास्ता होगा मेन, वहाँ से रास्ता नहीं दिया हम लोग को, यहाँ से रास्ता होगा। तो यहाँ से आना जाना होगा। यहाँ बहुत पुराना पेड़ है, क्योंकि ये फॉरेस्ट एरिया है। देखिए आप लोग कितना बड़ा पेड़ है, कितना बड़ा पेड़। और आपको दिखाते हैं कहाँ मछली पकड़ा था कल। ये रहा,
वहाँ एक चेंग दे के रखा है, वहाँ जहाँ जहाँ पानी होगा वही मछली होगा। उधर उधर कल मछली पकड़ा था। और यहाँ शमशान घाट भी है, शमशान घाट बगल में ही है हम लोग का जमीन का, रोड का उस तरफ, रोड मतलब ये कच्चा रोड है उसका उस तरफ ही शमशान घाट है। हमको यहीं रहना पड़ेगा अभी कुछ दिन के बाद, ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं यहीं रहने लगूँगा, वो रूम को रेंट को छोड़ दूँगा, उसके बाद यहीं ही रहना शुरू कर देगा। ये रहा ये शमशान घाट है, जाना अलाउ नहीं है, मुर्दा होने से जा सकते हैं, मुर्दा बन के आ सकते हो घूमने के लिए। और उस तरफ है फॉरेस्ट एरिया, आप लोग फॉरेस्ट अभी तो नहीं जाऊंगा मैं गया, लेकिन पुराना पुराना घर है, फिल्म शूटिंग, फिल्म मतलब शॉर्ट फिल्म के लिए अच्छा एरिया है, देखेंगे अगर दोस्त लोग मानते हैं तो शूट करेंगे। शमशान घाट का गेट, और यहाँ में फॉरेस्ट एरिया में जो एक गाड़ी पकड़ा हुआ है बहुत पुराना है, आप लोग को दिखाएंगे, बहुत ही पुराना एक फॉरेस्टियर का गाड़ी है। वो रहा गाड़ी जो देख सकते हैं कितना पुराना गाड़ी है ये। ये बहुत पुराना लकड़ी, इतना बड़ा बड़ा, ये रहा गाड़ी, ये लकड़िया इसी गाड़ी में आया था, इतना पुराना गाड़ी है, कुछ छूटा भी नहीं है कोई। इन्हें वीडियो बनाया, वीडियो वीडियो हाँ, ये रहा कैसा हालत है ये गाड़ी का, टायर देखिए आधा धस चुका है अंदर, किलोमीटर पर। ये रहा फ्रंट गाड़ी का, और ये लकड़ियाँ हैं ये इसी गाड़ी में आया था, और ऐसे का वैसे ये है, कोई भी लाया नहीं। ये रहा इतना बड़ा बड़ा गाड़ी है, इतना बड़ा बड़ा काट का टुकड़ा है ये, मतलब पेड़ का टुकड़ा जो ले जाना मना है, क्योंकि ये फॉरेस्ट एरिया है तो गच्ची काटना मना है, तो पकड़ लिया ये गाड़ी को और यहीं में रख दिया ये गाड़ी को, और गाड़ी ऐसे का ऐसे ही है देख सकते हैं। और यहाँ में काम चल रहा है, उसके बाद अभी मैं चलता हूँ, काम तो हो गया जो काम के लिए आया था, मैं कर लिया, पिताजी से पूछ लिया, अभी मैं जा सकता हूँ, अभी मैं निकलूँगा। ये लोग काम खत्म हो गया, काम ख़त्म हो चुका है, ये लोग भी जाएंगे अभी, पिताजी मेरा साइकिल लेके आए हैं तो वो साइकिल को लेके जाएंगे, तो मैं अभी चलता हूँ और मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। फाइनली हम लोग घर पहुँच चुके हैं, और मैंने हेलमेट उतार दिया, अंधेरा हो चुका है, इसलिए लाइटिंग में आ गया हूँ मैं। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, कैसा लगा आपको कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।